अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगी। मैं अदा मिशी आज आप लोगों के लिए बच्चों की मोस्ट फेवरेट डेजर्ट लेके आई हूँ। ये सब बच्चों को पसंद है, छोटी बड़े बूढ़े सबको ये बहुत पसंद है। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी कस्टर्ड आज बनाऊंगी मैं, मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर में। मैंने दूध रख दिया, 4 कप दूध रख दिया। इसमें शुगर डाल दिया 4 चम्मच। बॉयल आने तक इसको उबालेंगे हम। उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा मैंने दूध एक साइड पे रखा है, इसके अंदर हम मैंगो पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करके अच्छे से इस दूध में डालेंगे ताकि इसके लंप्स ना बने, गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, और साथ साथ फौरन चमचा हिलाते रहेंगे। बहुत जल्दी बहुत ईजी बन जाती है ये, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसमें। अब हमारा दूध बॉईल हो रहा है, फ्लेम तेज़ कर देती हूँ मैं। चीनी मैंने ऐड की हुई है, अब ये इसके अंदर मिक्स होगी। ओके, हमारे दूध को बॉईल आ चुका है। अब हम एक साइड पे मैंगो पाउडर ऐड करेंगे। मेरे पास 4 कप दूध था, इसलिए मैंने आधा कप दूध साइड पे किया हुआ है। उसमें मैं 3 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर के ऐड करूंगी और मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना हो इसके अंदर। हमारे कस्टर्ड में भी जब इसको ऐड करेंगे ये पेस्ट हमारा अच्छा सा तैयार हुआ। देखिए इसमें कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐसा ऐसा इसको दूध में ऐड करेंगे जब हमने बॉयल किया, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। देखिए ये आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है, क्रीमी क्रीमी सी। अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ पर क्रीम ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है। लेकिन अगर आपने बेबीज़ के लिए बनाना है तो क्रीम ना ऐड करें, काफ़ी हैवी हो जाता है और बाज़ बच्चों को हज़म भी नहीं होता। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, कंसिस्टेंसी किस तरह से है। ये देखिए ऐसे इसकी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसको बॉयल आएगा और ये पकेगा। जब तक पकेगा हमारा फर्स्ट टाइम कस्टर्ड तैयार हो जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स। अब इसको हम लोग 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा कस्टर्ड थिक नहीं लग रहा था, थिन लग रहा था, मुझे गाढ़ा नहीं लग रहा था। मैं इसमें अब 1 चम्मच और मैंगो पाउडर ऐड किया है। मैंने ये एग बीटर इसलिए दिया है ताकि इसमें लम्स कोई बच ना जाए, नजर ना आए, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इससे। अच्छा व्यूअर्स, अब देख रहे हैं आप ये कितना मज़ेदार तैयार हो गया। अब देखेंगे मज़े का बन गया। ओके तो व्यूअर्स, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको उतार के इन बॉल में डाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। और देखिए आप इसकी टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद है पिस्ते ऐड कर सकती हैं, बादाम, काजू, जो भी चीज़ वट एवर ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकती हैं। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ बादाम डाले हैं। और अगर आपने इसकी ड्राई फ्रूट बनानी है तो वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्द डालूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैंने इतने आइडियाज़ के साथ
आपके लिए हाजिर हो सकूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।